आपका अपना चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने मनजीत कुंडू कनाला की हाथ जोड़कर राम राम। आज पहुंचे हैं सरसोद बिचपड़ी के अंदर। सरसोद बिचपड़ी में जो आप देखने लग रहे हो, यू फोर लाइन रोड है, कदे नहीं सोचते भाई को लोकल रोड है, लेकिन फोर लाइन होते हुए भी यू आज जाम है। क्यों जाम है ये पूछेंगे अपने जो किसान नेता रहे हैं। शुरुआत तो इन्हें कर दिया, राम राम दोले भाई। राम राम भाई, आज क्या कारण है कि आज किसानों ने जो रोड जाम करना पड़ गया भाई? हमारे गांव बिचपड़ी से एक रिटायरमेंट रघुवीर सूबेदार जो 37 साल लगातार है एक ईमानदारी से नौकरी की, तो उसके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो रहा था, तो उसने कल सुसाइड कर ली अपने पंगाड़ रोड जो रेलवे फाटक जाओ वहां पर आके, मतलब रेल के नीचे का सुसाइड। हाँ, रेल के नीचे सुसाइड कर ली। और जो उस को तंग कर रहा था प्रशासन, जिसके नाम थे 5-6 के नाम सुसाइड में लिख के ने, वो सुसाइड करके उसके मामला में हम कल से प्रशासन को यही कह रहे हैं भी भाई जो दोषी है उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और उन पर कार्रवाई करें। लेकिन उस जो सुसाइड नोट मिला है उसके अंदर नाम किस किस के है? नाम उसके जो वहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग हैं। हाँ। वो है मेरे पे से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरे पे नोट से जो ये लिख के मरे हैं, पे नाम भी है, आप देख को वॉइस के ऊपर सारे नाम भी है, डिपार्टमेंट के नाम है, जो सुसाइड नोट लिखेगा है वो सुसाइड नोट है, आप देख को शायद ये क्लियर। आप प्रशासन के साथ हमारी जो 15 सदस्यीय कमेटी है उनकी 2-3 बार मीटिंग हुई है, लेकिन प्रशासन हमको गुमराह कर रहा है। प्रशासन का क्या जवाब आया? प्रशासन का कोई जवाब नहीं, गुमराह कर रहा है प्रशासन तो सूबे का। हमने कोई बड़ी मांग है नहीं, एक छोटी मांग है जो दोषी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। लेकिन आपने एक बात बोली थी भाई, किसी मतलब झूठे केस के दौरान है फंसाया गया इसको, वो केस क्या था इन पर? केस भाई तू रिश्वत गरीब आदमी क्यों लेवा? तो उसके खिलाफ ही खड़ा हो गया, तो उसकी कुछ रुपये वापिस दिलाए दी जो वहाँ SHO था, कोई इंचार्ज था वहाँ का, उसको उस चीज की चीड़ होगी भाई इसने पैसे वापस क्यों दिवाई, वापस दिवाई। हाँ, तो इसके खिलाफ 3-4 आदमियों ने षड्यंत्र रच के इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, SC Act का मुकदमा दर्ज करके झूठा मुकदमा। तो क्या सुसाइड करने से ही न्याय मिलता है भाई? एक बात बताऊं, जो दिल है नहीं किसे, तो चाहे गए 302 के मुकदमे लायक जो भी सोचा जेले का अटकानी होगी, जेले का अटकानी है उस आदमी एक ईमानदारी 37 साल से कोई कलंक नहीं, 32 मेडल ईमानदारी के 32 मेडल ले रहा, सर्विस के दौरान जीते, तो उसका दिमाग में यह होगी यार तने बहुत बढ़िया काम किया है, किसी का रिश्वतखोर आदमी पकड़ाया है और तेरे ऊपर झूठे मुकदमे करके तेरे को बुंदा करा है, उस आदमी का सहन नहीं हुई यह बात। तो दोस्तों, एक तो भाई दोला ने बिल्कुल जायज बात कही है, किसी का 302 भी लायक जाए वो भी नहीं सोचा भाई कुछ नहीं आने जाने भाई जिंदगी का अच्छा जड़ का अटका जा, लेकिन जो एक ईमानदार जिसको इज्जतदार आदमी हो है वो एक छोटा अपराध में सहन नहीं कर पाता, तो इस कारण तो उसने सुसाइड कर ली। और सुसाइड के अंदर 5-6 व्यक्तियों के नाम है, जिसके अंदर एक इशारे DC का भी नाम है, SP का भी नाम है, लेकिन प्रशासन अभी तक इनसे कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, अगर तैयार है तो गुमराह कर रहा, मतलब डायरेक्ट सीधा कोई भी जवाब नहीं मिलने लग रहा इनको। तो इसी दिन लेकर आज यहाँ आप देख सको पीछे में कुमार कैमरा मैन भाई, आपके क्या विचार है? आपने बतेरी किसानों के लड़ाई लड़ी है, आज यहाँ पर कैसे भाई लड़ी के लड़ते आ वहाँ तो रोज का काम हो रहा है सरकार का, तो हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन जनता ने रोड पाना पड़ा है, या मेरा तो समझ में नहीं आ रही सरकार है या इसका चलाने वाला कौन है के है कुछ भी नहीं, अरे के मुख्यमंत्री बिठा रखे यू इसी मुख्यमंत्री के देखता कौन ये अकबर हर रोज हरियाणा में तो कोई रोड ऐसा नहीं होगा जरा जनता नहीं बैठी होगी, कोई भी चाहे वो हाईवे हो चाहे वो 4 लाइन हो चाहे वो सिंगल रोड हो हर जगह रोड जाम, और जब से यह सरकार आई यानी सारी दुनिया परेशान। यह सरकार बनाई किसने? और मैं आपको दिखाऊं जो ये सुरेंद्र है। हाँ। सुरेंद्र ने FIR करी और सुरेंद्र ने ऐसा किया है कि जब तक SP है मैं किसी का तबादला कर सकता हूँ, किसी का कि मैं कर सकता हूँ, ये FIR है इस पर ऐसा मुकदमा उस आदमी ने बनाया है, उसने ये FIR सिर्फ ये रिक्वेस्ट करी है भाई ये आदमी गलत काम है इसके खिलाफ कार्रवाई करे, बस इस मुद्दा पे बनाए के उस आदमी को षड्यंत्र रच के ऐसा SC Act का मुकदमा दर्ज करके, SC Act का मुकदमा दर्ज जब हुआ है FIR करवा दी उस पर कार्रवाई हुआ है।
झूठी एक साक्षी, अगर झूठी तो जब मुकदमा है एससी एक्ट का लगा है और लोग एससी एक्ट का के करण लगे, दुरुपयोग करण लगे। हाँ भाई देखना चाहिए, सरकार ने भी यो देखना चाहिए, प्रशासन ने भी देखना चाहिए, कार्रवाई करके करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। तो यह सरकार प्रीप को बनाई तो तुमने यार? देखिए सरकार तो इसके बनाई तो क्या है, लोग तो कह रहे हैं कि ईवीएम को टाला है, क्यों क्यों बनाई कैसे? मैंने एक बात बता, कर्मचारी रोड पर है, किसान रोड पर है, मजदूर रोड पर है, स्कूल के बच्चे रोड पर है, टीचर रोड पर है, देश की सेना रोड पर है, तो बनी कैसे? अब कैसे बनी यार? ये तो बोता हेरा फेरी से बनी यार, कहाँ सरकार? सरकार है, सरकार हो तो बनाने वाले को बनाएगी जनता, तो नेक आदमी को चुनेगी, कोई नेकी दिखे न में है। बाबा भीमराव अंबेडकर के कानूनों पर भी आज सरकार पानी फेर रही है, तिरंगे झंडे भी बेच बेच के खड़ी है, या सरकार कड़ा है, है? सरकार तो है को नहीं, और प्रधानमंत्री के देखता को नहीं, जो हमारा मुख्यमंत्री है खट्टर साहब वो के देखता को नहीं कि हर रोज यू काम हो रहा है, और पीएम को क्या इतनी पावर भी को नहीं कि एक मंत्री मतलब एक मुख्यमंत्री को नहीं बदल सकता हरियाणा की? हरियाणा में इतना बुरा हाल हो रहा है आज के दिन, मैं तो 60 साल का हो गया, मैंने सरकार देखी, एमएलए देखे, एमपी देखे, जीतते देखे, हारते देखे, लेकिन उनके अत्याचार देखे, पर इस पर के अत्याचारी मैंने आज तक देखे नहीं 60 साल में, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। या जो इसके एमएलए भी भ्रष्टाचार, इसके एमपी भी भ्रष्टाचार, सरिये भ्रष्टिया, और यह कह रही थी कि मैं 2014 से पहले ये कह रही थी कि मैं भ्रष्टाचार खोज दूंगा, रोजगार दे दूंगा, जनता के सुथरे दिन दे दूंगा, अच्छे दिन दे दूंगा, लेकिन 2014 के बाद इसके पता नहीं वो दावे कहाँ गए सारे, आज इसके दावे ये देख ले। तो इतना दुखी क्या हो रहा है? तनख्वाह को बंद रही, लेकिन बात छोड़ तनख्वाह की, तनख्वाह की कोई बात को नहीं, मेरे को एक बात बता, गोल्ड मेडल लेने वाली लड़की रोड पर बैठी है, 32 गोल्ड मेडल लिया हाजी, जो आज जिसने आत्महत्या करी है, आज ऐसा शरीफ आदमी, तो इस सरकार में मना, इस सरकार में देखें जो गोल्ड मेडल लाने वाले आत्महत्या कर रहे हैं, मना और सरकार हम आज तक देखे नहीं, सरकार कहाँ फिर? करीब जी रोड जाम कर रखे, कितना टाइम खतर करे, देश के रक्षक है, देश के बक्सक हो रहे हैं, खुद वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला, और खुद पुलिस डिपार्टमेंट उसको फंसाने वाला शरीफ आदमी को, यह कोई न्याय है? अरे वो न्याय मांग रहा था, और जनता भी न्याय मांग रही है, अब दिखाऊंगा मैं तेरे को, लाठीचार्ज हो जाएगा, न्याय मांगने वाले भी सरकार लाठीचार्ज कर देगी, आंसू गैस छोड़ देगी, अपनी आवाज़ उठाने वाले को आवाज़ दबाव है। रोड खाली कोई होगा नहीं, रोड तो खाली जद होगा, जद 10 करोड़ होगा, जद ही मांगे पूरी होंगी, अभी क्या है, अभी तो सैंपल है, आने लग रहे हैं किसान, टिकैत साहब भी आने लग रहे हैं, चुनौनी साहब भी आने लग रहे हैं, जितने भी संगठन हैं सब 500 संगठन आगे इकट्ठे होंगे, न्याय तो लेके हटेंगे, इसमें कोई शक नहीं, न्याय देना पड़ेगा, सरकार ने झुकना पड़ेगा, दावा के साथ कह रहा हूँ मैं ये बात। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आपने इनके विचार तो सुनाई लिए होंगे, लेकिन इनका कहना भाई अभी तक डेड बॉडी भी नहीं आई है, वो अभी तक इशार है, डेड बॉडी दे नहीं जान लग रही, अभी तक देखते कितना टाइम लगेगा और कब तक आएगी। तो मिलते एक और नई वीडियो में, तो बने रहे जय जवान जय किसान।